आपका पैसा जो है वो आप ट्रैक कर सकते हैं बहुत इजी वे से, रिफंड का झंझट नहीं है। आपको बता दूं कि वीडियो को अगर एंड तक देख चुके हैं तो आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन हो चुका है। प्लस 0.5% जो है ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज में जो है आपको पे करना पड़ेगा। वीडियो को थोड़ा सा शांत होकर बनाते हैं। देखिए, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन होता है जो आपके पास जाता है और आप पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहता है और कैसे आप इंडिया से यूके या यूके से इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखें। अगर कहीं स्किप करते हैं तो उसका लाइबिलिटी मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपको पूरा वॉच करना है तभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। वीडियो बहुत शॉर्ट है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को जो है आगे ले चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ प्राइवेट बैंक्स के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले में एक्सिस बैंक का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक्सिस बैंक का फाइनेंशियल ईयर में जो है 2,50,000 से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसका क्या चार्जेस है? इसका एक जो है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक चार्जेस है, प्लस जीएसटी का कुछ चार्जेस है एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्सेशन के लिए कुछ चार्जेस हैं जो जीएसटी के साथ आता है। तो एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कर सकते हैं। 2 दिन का वर्किंग डेज है, आप ट्रांसफ़र करने में ही जो है तुरंत नहीं मिलेगा, 2 दिन वेट करना पड़ेगा एंड आपका पैसा जो है वो ईजिली से ट्रांसफ़र होने का संभावना हो जाता है। इसका एक्चुअल अगर ट्रांजेक्शन डेट आप जानना चाहते हैं तो ये फ्लक्चुएटेड होता है डे बाय डे, मंथ बाय मंथ एंड ईयर बाय ईयर। तो आपको एक्सिस बैंक का ब्रांच में विजिट करके ही आपको एक्चुअल पता चलेगा। अगर आपका रिक्वेस्ट होगा तो मैं डायरेक्टली एक्सिस बैंक में जो ब्रांच मैनेजर हैं उनसे बात कर लूँगा और एक वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा। अगर आपका राय रहा तो नीचे में ज़रूर से कमेंट करें। एक्चुअल में अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो नीचे में कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट जो डिस्प्ले में आपको देखने को मिल रहा है ये है SBI NRI एंड SBI के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या चार्जेस अप्लाइड है, देखिए ये जो चार्जेस है SBI का ये 1-3% का जो है बीच में रहता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप $13,171 से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 1% का ग्रॉस अमाउंट मतलब करेंसी एक्सचेंज में जो है पे करना पड़ेगा। अगर 1,31,717 रुपये से ज़्यादा मतलब डॉलर रुपए से ज़्यादा अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपये INR में पे करना पड़ेगा, प्लस 0.5% जो है ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज में जो है आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 ईयर से भी ज़्यादा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा INR पे, 0.10% का जो है आपको यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज देना पड़ेगा। SBI एक बहुत ट्रस्टेड बैंक है एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन में विश्वास नहीं रखते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ज़रूर करता हूँ एंड उसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, बट आज प्राइवेट बैंक्स में ही बातचीत होगा जहाँ पर आपको चार्जेस ज़रूर लगेगा बट आपका पैसा जो है वो आप ट्रैक कर सकते हैं बहुत इजी वे से, रिफंड का झंझट नहीं है, सेंड करने का झंझट नहीं है। ये आपका डिसीशन है बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि SBI एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप यूनाइटेड किंगडम में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो डिस्प्ले में आपको देखने को मिल रहा है ये HDFC का है एंड मैं आपको बता दूं कि HDFC बैंक भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप चाहें तो। इसका कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर आप अप टू 1,00,000 रुपीज़ अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं UK में तो आपको जो है 0.18% प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा। 1,00,000 से लेकर 10,00,000 रुपये अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो अर्थात मैक्सिमम जो है 10,00,000 तो आपको जो है 180 रुपीज़ INR में पे करना पड़ेगा प्लस 0.9% अमाउंट ऑफ करेंसी का जो है आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 10,00,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको 990 रुपये प्लस 0.018% का जो है आपको अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज का ग्रॉस अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर GST का जो रेट है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफरेंट टाइप का होता है, कितना पेमेंट आप कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, किस टाइम में कर रहे हैं, किन ईयर में कर रहे हैं, ये डिपेंडेंसी आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो है वेस्टर्न यूनियन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेस्टर्न यूनियन भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वेस्टर्न यूनियन का हर एक ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं, अर्थात हर एक ब्रांच में जो है पॉसिबल नहीं है बट आपको डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है। आपको गूगल पे लिखना है कि आपके नियरेस्ट एरिया में वेस्टर्न यूनियन ब्रांच कहाँ है,
एंड आपको जो है काम करना है, आपको बैंक में विजिट करना है। आपको मैं बता दूं इसका प्रोसीडिंग बहुत इजी होता है, जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसके नियरेस्ट एरिया में वेस्टर्न यूनियन का बैंक ज़रूर होगा एंड वो वहाँ से क्लेम कर लेगा बहुत इजी वैसे। आपको बताना पड़ता है व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न टू सेंड द मनी टू यूके एंड आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप कितना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपको पूरा बताया जाएगा कि चार्जेस कितना है नहीं है, वो आपको वेस्टर्न यूनियन के बैंक में जो है विजिट करके ही पता चलेगा। आपको एक केस मेमो दिया जाता है जिस आईडी को आपको ट्रांसफ़र करना है, किसको जो पैसा रिसीव करना चाहता है, क्योंकि आपको एक नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं आपको बता दूं कि यहां पर जैसे आपको हर एक चीज़ देखने को मिल रहा है, आपको मैं बता दूं कि वेस्टर्न यूनियन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। मैं आपको बता दूं, एक बार रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपसे चर्चा किया एक्सिस बैंक के रिगार्डिंग, फिर मैंने चर्चा किया एसबीआई के रिगार्डिंग, फिर मैंने चर्चा किया एचडीएफसी के रिगार्डिंग एंड एट द एंड जो है वेस्टर्न यूनियन में। इसमें मैंने कुछ चार्जेस बताया, कितना दिन लग सकता है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अगर एंड तक देख चुके हैं तो आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन हो चुका है, दैट्स माई ओन प्रॉमिस। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर होता है तो आप नीचे में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, एक लाइक जरूर करें, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहा आपसे। अगर लाइक करते हैं तो मुझे अंदर से मोटिवेट मिलता है। कुछ टाइम के लिए मैं आप सभी से अलविदा मांगता हूँ, मिलते हैं ठीक इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोच के साथ और एक नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।